ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। इसमें कवि ने बताने की कोशिश की है कि जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही दयालु हैं, यह हम सब जानते हैं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। वो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते और एकदम नॉर्मली वो उगते हैं और पूरी तरह से हरियाली छा जाती है। जितने ज़्यादा पेड़ आपको नज़र आते हैं उतने ही वहाँ का वातावरण ही एकदम शुद्ध रहता है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही दयालु हैं, ये हम सब जानते हैं। एंड स्प्रेड अ सेड फॉर स्लीपली काउस, एंड स्प्रेड अ सेड फॉर स्लीपी काउस। इसका अर्थ है कि वो अपने पत्तियों के द्वारा छाया पहुंचाते हैं किन्हें, सोए हुए गायों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। एंड गैदर बर्ड्स एमोंग देयर बाउट्स, और वे अपने पेड़ों की जो शाखाएं हैं उस पर जो चिड़िया हैं उनको रहने का के लिए बसेरा बनाते हैं। दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स एबो, और पत्तियों के ऊपर वे हमारे लिए फल देते हैं। एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ, और वो घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी हमें देते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हेलोवन, ये एक तरह से त्यौहार है हेलोवन जो पश्चिमी देशों में मनाया जाता है। इसमें हेलोवीन जो है ये विशेष रूप से पश्चिमी देशों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। वो 31 अक्टूबर के टाइम जब ठंडी का वातावरण होता है, शरद ऋतु होती है, उस समय ये मनाया जाता है। उसका अर्थ होता है कि जो मृत आत्माएं होती हैं वो धरती पर अवतरित होती हैं, इसलिए उस समय पत्तियों को जलाया जाता है। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और जैसे ही पूरी तरह से जो सूर्य की जो किरणें हैं जब पेड़ों पे पड़ती हैं तो उनकी जो पत्तियां होती हैं, नए नए कपूले जो होते हैं उस पर वो चमकते हैं एकदम, ऐसा लगता है कि कोई चमकदार चीज़ वहाँ नज़र आ रही है। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगिन, और जैसे ही दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पूरी तरह से टच करती हैं किसे, पत्तियों को। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, और वो पूरी तरह से सारे जो प्रकाश होते हैं उसको वो अपनी तरफ पूरी तरह से अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण वो पूरी तरह से पूरा छायादार जमीन पर अपनी छाया दृष्टि रखती हैं। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, और शाम को रात के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। एंड व्हेन अ मून फ्लॉट्स ऑन द स्काई, दे हम अ रोजी लुलेबाय। अब इसमें ये बताया गया है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि आसमान में जो चंद्रमा है वो एक तरह से फ्लॉट्स मतलब तैरते हुए नजर आता है। दे हम अ ड्रॉसली लुलेबाय, छोटे बच्चे को किस तरह से बिना आवाज़ किए और लोरी गाई जाती है, उस तरह से जो पेड़ है वो अपने ब्रांच जो उसकी शाखाएं हैं तो उस तरह से वो झूमते हुए गाना गाते हैं, जैसे कोई छोटे बच्चे को सुनाया जा रहा है और लोरी गाई जा रही है। और स्लीपी चिल्ड्रेंस लॉन्ग अगो, और वह बच्चा सो रहा है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, और इसीलिए जो पेड़ होते हैं वो वृक्ष जो होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं, ये हम सब जानते हैं। हैरी बेहन, इसके जो कवि हैं वह हैं हैरी बेहन।